दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सहेलियों की बाड़ी। यह राजस्थान राज्य के उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा सांगा, जिन्हें महाराणा संग्राम सिंह के नाम से जानते हैं, ने स्वयं कराया था। यह स्थान 48 महिलाओं का समूह था, जो उदयपुर की राजकुमारी के साथ दहेज में आई थी, इसलिए इसका नाम सहेलियों की बाड़ी रखा गया। 10 रुपए का टिकट लेने के बाद जैसे ही हम मुख्य द्वार से अंदर आते हैं, हमें हरे भरे पेड़ पौधे व कई फव्वारे नजर आते हैं। यह है यहाँ का मुख्य आकर्षक केंद्र, बिना बादल बरसात फव्वारा। यह फव्वारा लगभग 200 से 300 साल पुराना है तथा इसकी खास बात यह है कि इससे निकलने वाला पानी के लिए कोई भी मशीन नहीं लगी है। कहा जाता है कि यहाँ की राजकुमारी को बरसात की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, तो महाराणा सांगा ने इस फव्वारे का निर्माण कराया और इसका नाम बिना बादल बरसात रखा। इस गार्डन का इतिहास पारंपरिक वास्तुकला और शाही संरचना होने के कारण उदयपुर में घूमने आने वाले लोग इस उद्यान की तरफ आकर्षित होते हैं। यहाँ कई और फाउंटेन्स आपको देखने मिलेंगे, जिनमें प्रायः रासलीला व सावन भादो फाउंटेन्स हैं, जहाँ राजा नृत्य देखना व आराम करना पसंद करते थे। यहाँ आप उद्यान के सभी कोनों में घूमकर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और यहाँ आराम करके यहाँ की शांति को महसूस कर सकते हैं। यह स्थान बहुत ही शांत व साफ सुथरा है और चारों ओर फैली हुई हरियाली काफी खूबसूरत लगती है। इस स्थान का रखरखाव बहुत अच्छे से किया गया है। यह उद्यान रोज सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ आप तरह तरह के पेड़ पौधे, फूल व औषधि वाले पौधे भी देख पाते हैं। यहाँ किसी भी तरह पौधों को नुकसान पहुँचाने पर जुर्माना भी देना पड़ता है। यहाँ पहुँचने पर यह एहसास होता है कि आप प्रकृति के बहुत पास हैं। हमारा भी इस प्रकृति के लिए यह कर्तव्य बनता है कि इस प्रकृति को हम पेड़ पौधों से संवारें। चलिए आज हम एक प्रण करते हैं कि हम भी एक फलदार पौधा अपने आसपास लगाएंगे और प्रकृति को साफ सुथरा व सुंदर बनाने में अपना योगदान देंगे। इसी सहेलियों की बाड़ी के पास स्थित है यह फतेह सागर झील। इसका किनारा काफ़ी बड़ा व साफ सुथरा है। यहाँ झील का पानी भी काफ़ी साफ है। यहाँ सैलानियों का आना जाना लगातार बना रहता है। यह फोटोग्राफी के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ आप बोट राइडिंग का भी आनंद ले सकते हैं। जब भी आप उदयपुर आए तो इस स्थान का खूबसूरत नज़ारा जरूर देखें। यहाँ भी आप कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।